एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएकी मुस्कान खातुनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। सुधारसँगै उनको अनुहारमा मन्द मुस्कान देखिन थालेको छ। अहिले फेरि मुस्कान यति बेला आफ्नो डाक्टर बन्ने पुरानो सपनालाई सम्झिन थालेकी छिन्। गत भदौ 20 गते वीरगंज महानगरपालिकाको गणेश मान चोकमा दुई युवकले एसिड प्रहार गरेपछि अस्पताल भर्ना भएकी मुस्कानको अनुहार बिस्तारै उज्यालो हुँदै आएको छ भने आत्मविश्वास पनि बढ्दै गइरहेको छ। सबैजनाले चिनोस् त्यो एसिड प्रहार भएको मुस्कान त्यो डाक्टर बनेछ भनेर। मुस्कानलाई बलिउड सेलिब्रेटी अमिताभ बच्चन, वरुण धवनदेखि नेपाली सेलिब्रेटी नायक राजेश हमाल, गायक राजु लामाले समेत सन्देश दिँदै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। 15 वर्षीय मुस्कानलाई बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले भिडियो सन्देश मार्फत स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन्। मुस्कान, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है और मुझे आपके बारे में उज्जवल थापा जी ने बताया। उज्जवल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, और उन्होंने मुझे बताया कि आपके साथ क्या हुआ। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है, हमको देख करके सुन करके बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हैं और बहुत जल्द आप ठीक हो जाइएगा। आपके बारे में जब मैंने सुना तो सबसे पहली जो मुझे मन में बात आई वो ये कि आपका नाम जो है मुस्कान, वो बहुत सुंदर है। मुस्कान का अर्थ होता है जो मुस्कुराता रहता है, और आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान हमेशा बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए। उज्जवल जो हैं वो आपकी देखभाल कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि उज्जवल की देखभाल से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाइएगा। जो भी आपके साथ हुआ वो किसी भी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके देश का कानून उन सबको पकड़ के उनके साथ जो भी कानूनन कार्रवाई होगी उसे करेगा। एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया उज्जवल ने कि आप मेरी फिल्में देखती हैं, इसी तरह हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए और हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहिए। त्यस्तै अर्का अभिनेता वरुण धवलले पनि भिडियो सन्देश मार्फत शुभकामना दिएका छन्। हे मुस्कान, कैसी हो आप? कृति ने मुझे आपके बारे में बताया और बस ये वीडियो मैं भेजना चाहता था आपके लिए, ताकि मैं आपके साथ इन टच रहूँ और कहूँ आपको कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड बस कीप रेस्टिंग, कीप गेटिंग बेटर। आई एम श्योर आप बहुत जल्द बहुत हेल्दी होने वाले हो, यू विल बी बैक एंड आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड स्टडी, चेस दैट पैशन ऑफ योर्स कि आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है मैंने सुना। सो प्लीज़ 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 गो बैक, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड and make your parents proud and you will get better soon। और जब आप थोड़ा तंदुरुस्त हो जाओ and healthy हो जाओ, please आप कोशिश कीजिए कि आप आके मुझसे मिले, we can meet hopefully face to face, और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। नेपाली कलाकारहरू राजेश हमाल र राजु लामा लगायतले मुस्कानलाई भेटेर नै स्वास्थ्य लाभको कामना गरे। कस्तो कस्तो ठाउँमा पुगेको छ व्यक्तिहरू, होइन तिमी त्यो पुग्ने सम्भावना तिमी धेरै छ, किनकि तिमी मैले सुनेअनुसार तिमी पढाइमा पनि रुचि राख्दो रहेछौ, होइन पढ्न पनि तिमीलाई मनपर्छ, यो उमेरमा तिम्रो एउटा ठोस गोल पनि राखेको छौ तिमीले, यो सबैले काम गर्छ तिमीलाई, होइन यसले तिमीलाई देखेर हिमाल हँसेको, तिम्रो गीत सुनेर मोनाल नाचेको, तिम्रो जुबनलाई ओ
उपचारले स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैछ भने त्यसका अलावा प्रत्यक्ष भेट्न आएका र सोसियल मिडियाबाट पाएको सद्भावले पनि मुस्कानको हौसला बढाइरहेको छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो, उहाँहरूले मलाई सम्झाउनु भयो, हौसला पनि दिनुभयो, स्ट्रङ पनि भन्नुभयो। उहाँहरूलाई म धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। मुस्कानलाई हाम्रो तर्फबाट पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना।